जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम सच्ची ज़िंदगी की राह में। और इस कार्यक्रम में हम पिछले सप्ताह देखे हैं, हमने भाई विक्रांत शर्मा जी की गवाही सुनी और बड़ी वो जिंदगियों को छूने वाली गवाहियां हैं। ऐसी ही एक गवाही हम आज सुनेंगे भाई जयपॉल के ज़रिए से, कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में बड़े काम किए और कैसे इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में मसीह को चख कर देखा, परख कर देखा और उसकी मोहब्बत को देखा, कि मसीह की मोहब्बत जैसे माता संभालती है। हमसे कलाम कहता है कि जैसे माता संभालती है वैसे मसीह संभालता है। जब इनके सांसारिक माता पिता भी छोड़ देते हैं, और उस समय हमारा वो स्वर्गीय पिता हमें कैसे संभालता है, कैसे सहायता देता है, वो गवाही हम सुनेंगे। और उस गवाही से पहले हम अनुरोध करेंगे भाई जयपॉल से कि वो हमारे समक्ष एक गाना प्रस्तुत करें परमेश्वर की महिमा के लिए। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा तेरे पाप सब उठा लिया, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। आंसू सब
पहुंचेगा, मन की चिंता मिटाएगा, आंसू सब पहुंचेगा, मन की चिंता मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। मेरा मसीह आएगा, मुझे साथ ले जाएगा, मेरा मसीह आएगा, मुझे साथ ले जाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। भाई जय, आपकी भी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि आपने ऐसे संघर्षों से कभी गुजरे हों, ऐसी स्थिति से आप गुजरे कि उस वक्त प्रभु ने आपको सहारा दिया? ऐसा था कि मैं एक विश्वासी जो मसीह पे ईमान नहीं लाते हैं, वो मेरे पिता थे और मेरी माता जो है वो विश्वासी थे और उनका लव मैरिज हुआ था जी। फिर उनके बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे जी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे उनके बीच में जी। और एक समय ऐसा भी था कि मेरा नाम जयपाल क्यों रखा गया? अच्छा। क्योंकि ये नाम जो है ईसाइयों का नाम है जी, और पिताजी जो थे उनके रिश्तेदार सब मजाक करने लगे कि आपका बेटा क्यों ऐसा ईसाई का नाम रखे आप। तो बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने मेरा नाम फिर एक ऑड ऐड कर दिया उन्होंने कि नागेश्वरन। अच्छा। तो इस प्रकार से मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया। और बचपन से मैं माता के साथ बहुत प्यार करता था क्योंकि पिताजी हमेशा गुस्सा और बहुत क्रोधित होते थे हमारे से और बहुत मारते थे माँ को भी मेरे सामने, तो ये सब मुझे पसंद नहीं था। और बचपन में और एक हादसा ऐसा हुआ कि उनका क्रोध इतना बढ़ गया, एक दिन मुझे पकड़ कर सीलिंग फैन को मार दिया मुझे। आपको उछाल दिया? उछाल दिया मुझे और मैं सीधा नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद मेरा पूरा शरीर ऐसा जमने लगा जी, ब्लड क्लॉट होने लगा। और मेरी हालत देखकर मेरी माँ ने मुझे अस्पताल ले गया नज़दीकी अस्पताल में, और डॉक्टर साहब ने मुझे 4 इंजेक्शन इस तरफ और लेफ्ट दाएं और बाएं की तरफ दिया जी। और बोलने लगे डॉक्टर साहब मेरी माँ से, और 2 मिनट लेट हो जाते थे आपके बच्चे को आप खो लेते थे, बचाया नहीं जा सकता था। सो माय ब्लड वाज क्लॉटिंग ओके, एंड मैं वो बात को मैं भूल चुका था बहुत साल बाद। और जब वक्त ऐसा आया कि मुझे कॉलेज जाना है और काउंसलिंग के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो लॉकर कीज पूरा पिताजी के साथ देकर मैं और माँ चल गए वहाँ पे काउंसलिंग के लिए। और जब वापस आए तो पता चला कि पिताजी वापस नहीं आए जो सेंड ऑफ करने के लिए आए थे जी। फिर घर को आने के बाद चंद मिनट के बाद चले गए, आजू बाजू लोग बोल रहे थे ये बात। तो हमारे पास लॉकर कीज नहीं था, तो हम दूसरे लॉकर खोलने वालों को बुला के हमारी तिचोरी जो खुलवाया, तो माँ एकदम से रो पड़ी। तो मैं हैरान हो गया सडनली क्या हुआ, क्योंकि बोल रोने लगी जोर से कि
पूरा पैसा चले गया. अच्छा. पूरे जो भी कागजात थे वो सब लेके चले गए उन्होंने, और पता भी नहीं उनका कांटेक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं था, कहाँ चले गए, क्यों गए. अच्छा. और एक 3 साल तक हमको बहुत मुश्किल झेलना पड़ा, और बहुत सारे थ्रेट कॉल्स भी आए थे मेरी माताजी को कि मेरे ऊपर एसिड डालेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे. और उस दौरान आपको फिर पैसे की भी हर तरह की आर्थिक भी समस्या आई. सख्त ज़रूरत थी, और मैं ऑड जॉब्स करता था. अच्छा. और ट्यूशंस देता था और कई सारे. इस दौरान मैं मेरे पिताजी से बहुत क्रोधित था. मैं खलौता बहुत, नफरत आ पड़ी. मैं हमेशा बात करता था, अकेले में रोता था, पूछता था मैंने क्या कर दिया. ओके. मैं क्यों इस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ेगा. क्योंकि हर एक बच्चा जो है उसकी एक अपने पिता की तरफ आशा होती है कि मेरा पिता वो हर चीज में करे, लेकिन क्योंकि आपको ऐसा वो नहीं कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते थे. एक बात, हमेशा गुस्से से या मारपीट. जी. इसी कारण से मैं एक दिन भाग भी गया घर से. बहुत छोटा था, 7 या 8 साल या 9 साल का था. अच्छा. उम्र करीबन 10 किलोमीटर दूर भाग गया मैं, और 10 दिन तक वापस नहीं आया. अच्छा. तो मैं हमेशा बचपन से जो है मेरे पिताजी को मैं टाइगर बुलाता था, उतना डरता था उनसे. और बाद में जब बड़ा होने लगा, जब पिताजी ये सब कर चुके थे, हमारा पूरा प्रॉपर्टी ले चले गए, और माँ अकेली हो गई, माँ को सहारा दे नहीं दे सकता था मैं. बहुत कम उम्र थी मेरी, और नाइट शिफ्ट्स करता था, और यही गुस्से में पला बड़ा मैं. जी. जब भी वो दिखेंगे मैं उनको कत्ल करने वाला था. तो मैं जिम ज्वाइन कर लिया, बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया. बहुत क्रोधित था, दोस्तों से बात नहीं, हंसी मजाक नहीं, हमेशा गुस्सा. तो इस प्रकार से मैं जीने लगा. तो एक दिन ऐसा आया समय कि मुझे किसी से भी प्यार नहीं था, प्यार नहीं मिला, क्योंकि मैं अकेला हूँ और कोई दोस्त नहीं थे ज़्यादा. और 10th क्लास के बाद मैंने एक लड़की को पसंद किया सडनली, और उसके बाद मैं डिग्री में फिर एक बार प्रपोज किया था. तो हम सो वी वर इन लव सम टाइम, एंड देन लेटर ऑन 2 साल के बाद उनके माता पिताजी को मालूम चला कि ऐसा है. जी. तो वो मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं. अच्छा. तो वो कहने लगे कि आपको आपका धर्म बदलना पड़ेगा, और अगर आप उस लड़की के साथ रिश्ता जारी रखते हैं तो आपको मसीह को छोड़ना पड़ेगा, ये कहने लगे वो. तो मैंने कहा देखिए मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, आपकी दारू पीता नहीं, बुरी आदत तो है नहीं मेरे पास, मैं नॉनवेज भी छोड़ दूंगा आपके आपके लिए. तो मैं काफ़ी दिनों तक मैं नॉनवेज भी नहीं खाया. जी. लेकिन मैं एक बात बोल चुका हूँ, देखिए मुझे मसीह काफ़ी अच्छे चीज़ सिखाए जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, बट सिखाते तो अच्छे हैं. ओके. बट मैं ये काम नहीं कर सकता. और वो कहने लगे देखो तुम्हारे मसीह ने क्या किया तुम्हारे लिए. जी. तुम्हारे पिताजी पूरे लेके चले गए, और यू आर इन डायर नीड. ओके. आपको सख्त ज़रूरत है. बट मैंने एक ही बात कही, देखो भाई अगर तुम पूरी देश या पूरी आपका पूरा प्रॉपर्टी आप हमारे ऊपर लिख के देंगे, फिर भी मैं ऐसा काम किसी भी हालत में मैं मसीह को नहीं छोड़ सकता. क्योंकि मेरे बचपन में से जैसे मम्मी हमेशा कहती थी देखो तुम्हें खुदा ने और एक जन्म दिया है. जी. ओके. तुम कब की मर जाने वाले थे लेकिन खुदा ने आपको बचाया. तो वो बात हमेशा मेरे दिल में दिमाग में थी. और दिमाग में था. तो मैं बोला मैं ऐसा काम नहीं करूँगा. तो 2-3 दिन के बाद वो लोग पुलिस कंप्लेंट दे चुके हैं मेरे ऊपर, और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा. अच्छा. सेंट्रल जेल. और 2 दिन के बाद मेरा वो असंभव कार्य था, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग सेक्शन में मुझे बुक किया गया है. जी. वो सेक्शन काफ़ी क्रिमिनल है, और अटेम्प्ट टू मर्डर. अच्छा. समथिंग वेरी डायर. एंड आई वॉज नॉट अबाउट टू गेट अ बेल.
बेल आपको मिलना जमानत भी नहीं मिल पाई, जमानत भी मिलना बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अच्छा। और उस प्रकार से उस दौर से मैं जब गुजर रहा था, एक तो बाप ने मुझे ठुकरा दिया, ओके, और जिससे मैं सोच रहा था मैं खुश रहूँगा अगली ये जिंदगी पर, उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, ओके, और झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल के अंदर डाल दिया। जी। मैं और क्रोधित होने लगा, क्योंकि और किसी से भी हृदय में इतने समय का क्रोध जमा होता रहा और बहुत, और उसके ऊपर ये भी ऐड हो गया उसके ऊपर, तो मैं किसी को माफ नहीं कर सक रहा था मैं, और मैं यू नो आई वांट टू एंड माय लाइफ एंड मे बी आई वांट टू किल माय डैड एट द सेम टाइम, ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ है। तो उस रूट्स को मैं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन एक दिन जब मैं चर्च में बैठा था, मुझे पूरा सर्मन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एक ही केवल यही सोच रहा हूँ, मेरा डाइवर्शन है पूरा, दिमाग पूरा एकदम परेशानी, आप तनाव में सोच में बैठे हैं। मैं किसी से बात नहीं करता था, लड़कियों से बेहद हेट करता था, आई वुड हेट एनी गर्ल, आई वुड हेट एनी कपल, ओके। और इस दौर से जब मैं गुजरा था, चर्च में एक ही कलाम सुनाई दिया, वो जो इब्रानियों का ख़त में 10:30 में है, रिवेंज बिलोंग्स टू मी, वेंजेंस बिलोंग्स, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर ने कहा है। और उस प्रकार से मैं देख रहा था, इनको कैसे मालूम कि मैं बदला लेना चाह रहा हूँ, मैं उसी समय सोच रहा था। और मैं ठीक है प्रभु, जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी सोचा ठीक है, हाथ अपना हाथ क्यों गंदा करूं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आप रिवेंज ले सकते हो तो ले लो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फॉरगेव माय फादर, वो पहला एक लम्हा था जब आपने माफ किया अपने पिता को, मेरे पिताजी, जबकि जो एक इतना नामुमकिन सा काम है कि किसी बच्चे के लिए कि जो ऐसे सताव से गुजरा हो बचपन से लेके और जवानी तक, और उसके खुद के पिता ने, एक बार कोई और करे तो आदमी सहन कर सकता है, लेकिन अपने पिता से जो उम्मीदें होती है बच्चे की, उसके दौरान ऐसा हुआ, फिर भी कलाम ने ऐसा काम किया आपके हृदय में कि आप उनको माफ़ी के लिए तैयार हो गए। मैं पहली बार उनको माफ़ किया और पहली बार मैं चैन की नींद सोई उस दिन रात को, और मैं जो भी फैमिली मेरे खिलाफ ऐसा गलत कंप्लेन दिए, मैं उनको भी माफ़ कर दिया। और मैं, मेरी माता हमेशा जो है वो कंफर्ट लेती थी वचन के अनुसार से, तो हम मसीह हमेशा हमने को यही सिखाया कि प्रे फॉर द एनिमीज, दैट्स व्हाट जीसस डिड ऑन द क्रॉस, वही मसीह जो क्रूस पर थे वो एक बड़ा, बहुत बड़ा एग्जांपल था। जी हाँ, जो एक एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह को खुद ठोका जा रहा है, फिर भी मसीह ने कहा कि इनको माफ करो, वही मसीह की। अगर मैं दोस्तों का काउंसलिंग सुनूं तो अरे ऐसा कैसा हो गया, चल कुछ करेंगे उसके लिए, ऐसा कुछ भड़काते हैं और घाव को और गहरा कर देते हैं। जी हाँ। और जब मैं जेल में भी बैठा था तो लोग सुनते थे और बोल रहे थे, अरे ऐसे लड़की को छोड़ना ही नहीं, ऐसे लोगों को एक सबक सिखाना। हाँ, ये तो आम धारणा हम आपके दोस्तों की नहीं बल्कि आज जीवन में हर किसी जगह आप देखते हैं कि समाज में जहाँ भी कुछ होगा तो वो कहेंगे कि जरूर आप इसका बदला लें, छोड़ें ना किसी हालत में। तो इंसान का ये स्वभाव है कि वो माफ नहीं कर सकता। जी हाँ। चाहे भी तो भी बहुत मुश्किल है इंसानी स्वभाव के लिए, लेकिन मसीह की मोहब्बत जो आपके दिल में आई उसके बाद से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। और मैं पहली बार जो है मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। जी हाँ। और धीरे धीरे होते हुए मेरा केस भी कैंसिल हो गया क्योंकि वो लोग प्रूव नहीं कर सकते थे मेरे ऊपर। और एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस था जो है, जैसे बाइबल में लिखा गया है कि यूसुफ के ज़िंदगी में, जोसेफ के ज़िंदगी में, या बहुत सारे ड्रीम्स के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए जो खुदा बात करता है, उसी प्रकार से ये जो चीज़ मुझे कष्ट उठाने पड़े, ओके, ये सब मैं 6 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे ख्वाब के ज़रिए से दिखाया कि मैं एक नगर में, एक गांव में दौड़ रहा हूँ। अच्छा। और वो गांव पूरी वहाँ पे कुछ हरियाली नहीं है, पानी नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, बसते नहीं, उजड़ा हुआ, सूखी जगह है, सूखी जगह है, झोपड़ियाँ हैं, लेकिन
वहाँ पे कोई बसता नहीं है, वैसे जगह पे मैं भाग रहा हूँ, शॉर्ट्स पे हूँ, कुछ टी शर्ट कुछ नहीं है, ऐसे ही भाग रहा हूँ मैं, अपनी जान को बचाते हुए मैं भाग रहा हूँ। और चंद बार मैं छुप रहा हूँ, फिर दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं, फिर आगे दौड़ रहा हूँ। और तकरीबन मैं वो गांव को छोड़ के ऑलमोस्ट आई वॉज अबाउट टू लीव दैट विलेज एंड सडनली मैं पीछे देख रहा हूँ मैं, और जो चार शेर थे मेरे पीछे भाग रहे हैं, और मैं बोलने लगा मेरे से नहीं होगा और मैं भाग नहीं सकता। पूरे तरीके से मैं थक गया, बहुत प्यासा था मैं। सडनली पीछे देखा और वो ऑलमोस्ट मेरे करीब आने लगे, और मैं आप पे हमला बोलने मेरे के लिए हमला करने के लिए, और ऑलमोस्ट उचक गए मेरे ऊपर, और मैं हार गया। मैं बोला मैं और भाग नहीं सकता, मैं से गिर पड़ा, जस्ट फॉलिंग बिहाइंड। एंड थोड़ी देर बाद जब होश आ रहा था मुझे, कुछ खुजली हो रही थी, एंड सडनली अब वो कहा देखने लगा, पूरा घास था जहाँ पे मैं गिरा हूँ, और सडनली मैं जब पीछे पलट के देखा तो पूरा एक ग्रीन लाशी लॉन, एकदम घास, हरियाली पूरी तरह से। मैं शॉक हो गया, सूखी जगह पे दौड़ा मैं, यहाँ मैं कैसे आ पड़ा। सामने देखता हूँ तो एक देखता हूँ 10 फीट 15 फीट का वायरी फेंसिंग है, और उसके ऑपोजिट में, उसके पीछे की तरफ है ये चार शेर। अच्छा। जो गरज रहे थे मेरे ऊपर। मैं सोचा मैं ऐसा गिरा पीछे की तरफ तो इसका मतलब ये फेंसिंग्स पूरे मेरे पीठ को कुछ हार्म करे होंगे, कुछ जख्मी हुआ होगा। मैं पीठ को पूरा चेक करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं था गाँव। और थोड़ी देर बाद मैं नींद में सोटा पसीना पसीना होकर। और फिर ये 6 महीने के बाद ये जब इंसिडेंट हुआ मैं भूल गया, लेकिन 3 साल के बाद जब ये घटनाएं सामने आई तब मैं सोचने लगा। एक ख्वाब आया, वो ख्वाब में वो चार शेर, तब मैं 1 रुपी कॉइन जो है उसके पीछे देखा तो चार शेर थे वहाँ पे, तो इंडियन पेनल कोड्स। तो मसीहा जो है बताना चाह रहे थे कि 6 महीने अब से ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल, और मैं तुमको बचाऊंगा। जी हाँ। क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास रखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने बलबूते पर या अपनी सोच विचार से अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे मैं अपने आप से हैंडल करूं, करने की कोशिश करूं ना, तो मैं इंसान की तरह जी नहीं सकता। जी हाँ। मैं ज़रूर हैवान की तरह बन जाता था। और मुझे पहली बार प्यार महसूस हुआ, और पहली बार मैं सोचने लगा कि खुदा है, सच्ची मोहब्बत क्या है, वो प्यार करता है, वो प्रोटेक्शन भी करता है। ओके, चाहे आप कैसे भी दौर से आप गुजर रहे हो, वो देख रहा है। जी हाँ। ओके, बचपन से मैं हमेशा अकेला पला बड़ा, बहुत कम दोस्त थे मेरे, और अकेलापन ज़्यादा कठिन होता है। जी, तो लेकिन जब आपने ये सब देख लिया और महसूस कर लिया और मसीह की मोहब्बत को भी जान लिया, आपने ये जो बदला लेने की बात थी और सारी माफ़ी की बात थी, वो सब उनको माफ़ करके बदला लेने का काम जब परमेश्वर पर डाल दिया, तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? सुकूनत, एक शांति, एक प्रभु की खुशी, कुछ ऐसी चीज़ मिली आपको? बहुत सारा है, सुकून है, क्योंकि अभी मैं वो सब मैं भूल चुका हूँ ऑलमोस्ट, बस यादें थोड़ी हैं, लेकिन वो घाव जो है उस पे मलम पट्टी जो है मसीह आने लगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही बात बताएं। तो अभी आप सामाजिक तौर से भी देखेंगे तो ऐसे ही क्रिमिनल्स बढ़ते हैं। ओके, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं है, जब वो लोग ऐसे जब उनको बुरे, सही बुरे दिशा नहीं मिलती तो वो बुरे रास्तों में भटक जाते हैं। जैसे आपके दोस्त लोग बोले भाई सबक सिखाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा जैसा बोला है कि परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है वो लाभ की होती हैं, वो हानि की नहीं होती। ऐसे ही आप दोनों की जिंदगियों में प्रभु ने काम किया कि एक मसीह से नफरत करने वाले को ऐसी मोहब्बत प्रभु ने दे दी कि वो सब कुछ छोड़ दिए लेकिन उस मोहब्बत को कभी नहीं छोड़े, और एक दिल में बोझ लिए हुए और ना माफ़ करने वाली बात भी ऐसी है कि कोई भी इंसान नहीं माफ़ कर सकेगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको
तो दर्शन दिखाए अपना, जैसा कि कलाम कहता है मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुत ऐसे उढ़ेलूंगा, और युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, ऐसे आपको पहले से बताया, दर्शन भी दिखाया है और आपको इस्तेमाल भी कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज उन देखने वाले लोगों से जो इन परिस्थितियों से अगर गुजर रहे हों, ये जीवित गवाहियाँ हमारे सामने मौजूद हैं कि एक मसीह से नफरत करने वाले भी मसीह की मोहब्बत को बांटने वाले बन सकते हैं ज़िंदगी भर, यदि प्रभु उनको इस्तेमाल करे और वो स्वाद को चख लें और परख लें तो। और ऐसे ही आज जो लोग अपने दिल में किसी के लिए भी गुस्सा लेके बैठे हैं या नफरत लेके बैठे हैं, या आपके साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि आप नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं माफ़ कर पा रहे हैं उस व्यक्ति को, तो हमारे सामने एक जीवित गवाही है कि जैसे प्रभु ने इन्हें संभाला, सहारा दिया, और सांसारिक पिता ने छोड़ दिया लेकिन स्वर्गीय पिता ने ऐसी मोहब्बत दी, ऐसा संभाला अपने हाथों में कि जिसने कहा है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। तो आज के कलाम के जरिए से और इन गवाहियों के जरिए से प्रभु आप सबको भी आशीष दे। शब्द कहना चाहता हूँ सब सुनने वालों को जो विश्वास नहीं करते हैं कि हम धर्म का प्रचार नहीं करने आए, ना हम धर्म की बातें करते जी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो धर्म है वो तुलसीदास ने अपनी चौपाई में कह दिया कि क्या कहा है तुलसीदास ने, परहित सहज धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समर जाई। कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो दूसरों को प्यार करता है, दूसरों की पीड़ा को समझ करके उसकी मदद करता है, दूसरों की भलाई, और वो बड़ा अधर्मी है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो बड़ा अधर्मी है, अधर्मी है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो दूसरों के साथ बुराई करता है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग बोल रहे, क्या है ये, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु है और वो सब कुछ कर सकता है। थोड़े दिनों को पहले की बात है, एक दो चार मतलब एक साल से थोड़ा ऊपर हो गया, एक स्त्री बेचारी आई थी यहीं की, हैदराबाद की बात है, और वो भी मसीह को नहीं जानते हैं, पता चला है कि हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, बोली हमको 11 साल से बच्चे नहीं है जी, 11 साल से बच्चे नहीं है। प्रार्थना की, अभी 4 महीने का उनका पहला बेटा है और पूरी तरह से सुरक्षित। तो यहाँ प्रभु चमत्कार, मेरे जीवन में तो दो चमत्कार हुए, क्या, पहला मेरा जो शारीरिक जरूरत थी प्रभु ने पूरी की, दूसरी जो आत्मिक जरूरत थी वो पूरी की, प्रभु का मिलना, प्रभु का मिलना, और इस जीवन से जो नाशवान शरीर है और हमेशा के लिए जो नरक के जो हम जिससे डरते हैं जाने के लिए, उससे छुटकारा, उस दंड से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छुटकारा दे। जी हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी उसमें विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होता बल्कि हमेशा का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वही हमारी जरूरत है। सबसे बड़ा प्रेम जो है वो परमेश्वर का है, और माँ भी अगर अपने बच्चों को, आजकल हम बहुत सारे न्यूज में देखते हैं कि माँ अपने बच्चों को अस्पताल की खिड़कियों से फेंक दे रहे हैं, छोड़ देते हैं रोड पे, और वैसे अगर भी हो सके, अगर माँ भी जितना ज़्यादा प्यार माँ के लिए कर सकती है, अगर माँ भी छोड़ दें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मसीह कह रहे थे, तो उनके पास आइएगा, यही मेरा कहना है। उनका प्रेम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकेंगे। ओके, तो आप कलाम पढ़िए, और अगर कलाम नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है, अगर रोशनी नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने सुना, हमारे सामने गवाहियाँ पेश की गई हैं, ऐसे ही अगर आज आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक बार उसको चक्कर और परख कर देखें।